नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersadda.com की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा है और हम यहाँ पे आज स्पेशल सेशन में जुड़ रहे हैं जिसका नाम है संडे वोकैब स्पेशल। जी हाँ बिल्कुल, टारगेट ऑब्जेक्टिव यही है कि अब सबकी वोकैब जो है वो स्ट्रांग हो, अब सबकी वोकैब जो वो इम्प्रूव हो। हमारा कम से कम टारगेट यही है, ठीक है, और इसी टारगेट को लेकर के कम से कम हम लोग जो है आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक मिनट, एक सेकेंड मिनट बच्चों। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी आज का ये जो पर्टिकुलर सेशन होगा वो काफी बहुत 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 ज्यादा जो है वो आप लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि आज बहुत सारी कुछ नए तरीके से मैंने आज का संडे वोकैब स्पेशल यहां पे रखा है। मतलब कि जैसे ही ये पर्टिकुलर सेशन आपका फिनिश होगा, जैसे ये पर्टिकुलर सेशन आपका फिनिश होगा, आप जब इस कंप्लीशन के बाद जब आप सोचेंगे तो आज आपको लगेगा कि आज आपके जो वर्ड पावर में, आज आपका जो एक वोकैब का जो इक्विटी है, जो वोकैब की जो डिक्शनरी है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आपका हुआ है, ठीक है। आपको लगेगा कि यस, आज एक घंटे का जो समय हम लोगों ने संतोष सर के साथ यहाँ पे बिताया है सुबह 8 से 9, आपको लगेगा कि यस वी हैव अचीव्ड समथिंग, हम लोगों को कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर हुआ है। आप लोगों को ऐसा लगेगा, 100% श्योर हूं मैं, 100% बिल्कुल मैं श्योर हूं, ठीक है। चलो तो एक बार सारे के सारे लोग फटाफट से मुझे ये बता दें, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, कि साउंड बिल्कुल, मतलब साउंड क्लियर तो आ रहा है। मे बी पता नहीं, शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि साउंड थोड़ा सा कम है, बट एक बार मुझे बता दें कि साउंड क्लियर है कि नहीं। एक बार साउंड ऑलरेडी आ रहा है, आप लोगों को बिल्कुल सुनाई दे रही है सारी चीजें। एक बार फटाफट से सारे के सारे लोग बोल दें कि हाँ सर साउंड सुनाई दे रहा है, साउंड ओके है। एक बार बता दें आप लोग सारे के सारे लोग फटाफट से एवरीवन, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे फिर उसके बाद। एक बार साउंड बता दें, एवरीवन एक बार बता दें साउंड सही है, क्रिस्टल क्लियर, गुड मॉर्निंग। जी सर ओके क्लियर है। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। और ये देखो, हर दिन सुबह आप लोग जितने भी लोग हैं वो सुबह 8 बजे एडिटोरियल का सेशन में मिलेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं, कल से एडिटोरियल का जो सेशन होने वाला है वो बिल्कुल ही एकदम अलग आपके जो है वो टाइप से बिल्कुल होगा, और एक नए फॉर्मेट के साथ मैं इस एडिटोरियल में आने वाला हूं। और एक कंप्लीट जो है वो सेशन करने की मैं इसको कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमल प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट हो, ठीक है। और सुबह 10 बजे के सेशन में आप लोग सुबह 8 बजे जुड़ सकते हैं एडिटोरियल में, और सुबह उसके बाद 10 बजे आप लोग मुझसे प्रीलिम्स 2021 के इंग्लिश के सेशन में। आज क्या होने वाला है मैं आपको एक बार और बता दूं, आज और क्या चीज़ होने वाली है, आप देख सकते हैं ये कि सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 9 AM से लेकर के 12 PM तक आज हम लोग आपके लिए मैराथन क्लासेस लेकर के आए हैं, जिसमें सुबह जो है वो 9 बजे मैथ्स सिद्धार्थ सर जुड़ रहे हैं, 10 बजे से मैं आपके लिए इंग्लिश जुड़ूंगा, और 11 बजे से आपके लिए रीजनिंग वाले सर जुड़ेंगे। तो याद रखिएगा, बहुत ही शानदार आज का सेशन होने वाला है, मैराथन क्लास। इस क्लास को आप लोग मिस ना करें, ध्यान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन समरी देखिए, कोड ऑफ द डे से हम लोग शुरुआत करेंगे। और देखो, रिविजन वोकैब है, रिविजन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रिविजन फ्रेजल वर्ब है, रिविजन ईडियम्स है, और उसके बाद आपकी स्पेशल वोकैब है। इसका मतलब कि आज हम अपनी जो पुरानी कुछ वोकैब उसको रिवाइज भी करेंगे, रिविजन वोकैब प्लस उसके बाद रिविजन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग पढ़ कर आए उसमें भी कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, प्लस फ्रेजल वर्ब है उसको भी हम लोग आज रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, प्लस रिविजन ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं उसको भी हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, और कुछ स्पेशल वोकैब भी हैं उसको भी आज हम लोग, नया वोकैब आज हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एज यूजुअल हर दिन की तरह, ठीक है। गॉट माय पॉइंट, क्लियर हो गया। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कोड ऑफ द डे देखो, कोड ऑफ द डे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, ठीक है। डोंट वेस्ट और डोंट स्पेंड टू मच टाइम टू डिसाइड। हम लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि हम लोग डिसाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि क्या करना है आगे। अगर हम लोगों ने कुछ सोच भी लिया कि सर सोच रहे हैं SBI क्लर्क जो है वो जो है फॉर्म फिल कर दें, ठीक है, अप्लाई कर दें, लेकिन सर इंग्लिश वीक है, सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें, करें नहीं करें, सर हम सोच रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करें, करें नहीं करें, बहुत सोचते हैं, और पॉजिटिव तो सोचते नहीं है, सारे नेगेटिव चीजें पहले ही सोच लेते हैं, और सारे क्या केवल नेगेटिव चीजें सोच लेते हैं। तो हम लोग डिसाइड करने में इतना ज्यादा समय लगाते हैं ना कि वो चीज का लास्ट में वैल्यू ही खत्म। और रतन टाटा जी का आपको जो है वो मैं एक फेमस डायलॉग बता दूं कि आई डोंट डिसाइड, ठीक है, मतलब कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि मैं पहले जो है वो क्या करता हूं, आई मेक डिसीजन, ठीक है, आई डोंट मेक डिसीजन एंड देन टर्न इट राइट, ठीक है, मैं पहले काम करना शुरू कर देता हूं और उसके बाद उसको राइट करने की कोशिश। मतलब आप सोचिए कितना
कॉन्फिडेंस है कि आपने काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है आप कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके डिसीजंस हैं आप उन्हें राइट जो है वो आप उन्हें, इस तरीके का एक मोटिवेशन होना चाहिए यार। इतना ज्यादा समय ना लगाएं, वरना देखो कितना बात लिखी हुई, समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, अदरवाइज समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। और जब टाइम डिसाइड करता है ना भाई कि आपके साथ क्या करना है, बहुत पेन होता है यार, बहुत हर्ट होता है उस समय, तो ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल मतलब पता नहीं क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ठीक है, तो याद रखिएगा ज्यादा समय बिल्कुल मत लीजिए। ऑलराइट, इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम, हाँ हाँ मुझे समझ में आ रहा था, इन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करने के लिए मुझे लग रहा था कि शायद वॉल्यूम का इंक्रीमेंट जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, बैटरी उटरी लो हो गई है फिर क्या हो गई है, एक बार चेक कर लेना पड़ेगा। बट डोंट वरी, आज थोड़ा सा हम लोग इसी में ठीक है काम चला रहे हैं, साउंड प्रॉब्लम नहीं है, बट साउंड प्रॉब्लम नहीं है, साउंड अच्छा ठीक है, वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहा हूँ, एक सेकेंड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ, वेट। चलो अब सही है, अब बिल्कुल सही है, आप लोग एक बार बता दें अब सारी की सारी चीजें सही है या फिर नहीं है, अब आप लोग एक बार बता दें फटाफट से कि अब बिल्कुल करेक्ट आ रहा होगा, आई थिंक है ना, अब बिल्कुल करेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल करेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो सेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अब करेक्ट आ रहा है तो एक बार थम्स अप बोल देना कि हाँ भाई सर करेक्ट आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो आज के 20 रिवीजन वो कैब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, 20 अब सही है सर जी, हाँ अब सही है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा भी जो है वो बस एडजस्ट नहीं करेंगे लोग, है ना। चलो वही सर को दिक्कत हो माइक लगाने में, लेकिन उसी में सर हम लोगों को कुछ भी दिक्कत ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला रिवीजन वो कैब ये रहा, चलो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताएं क्या होगा आंसर। अर्जुन कह रहे हैं आशीष सर की क्लास चल रही है, यार तो आशीष सर को बोलो भाई, ठीक है कि संतोष सर की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है आशीष सर, अब आप रहने दें, बच्चों को थोड़ा जो एडिटोरियल वो क्या के ऊपर भी बात करने दें, तो बोलो जा करके कम से कम, है ना। काम करते हैं हम ही कहते हैं, रुको मुझे ही बोलना पड़ेगा नहीं तो नहीं हो पाएगा। सही है, देखो जरा,
मे बी शायद सर पढ़ लें. चलो तो देखो प्रॉपर्टी का मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है औचित्य, सुटेबिलिटी जिसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? सुटेबिलिटी जिसको बोलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी औचित्य. ठीक है, सुटेबिलिटी. नेक्स्ट वर्ड देखो लिखा हुआ है ग्रेव, जी आर ए वी. क्या होगा ग्रेव जल्दी बताओ, जी आर ए वी ग्रेव. ग्रेव का मतलब क्या होगा? चलो ग्रेव का मतलब आपका होता है गंभीर या फिर सीरियस, बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा सीरियस, उसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेव. ठीक है, कल जब मैं इसका एक सिनोनिम लिख रहा था सोबर, है ना, तो कल एक स्टूडेंट का जो है वो मैसेज आया मेरे पास कमेंट में, ऑफलाइन कमेंट में, कि सर शायद सोबर की मीनिंग जो है ना बिल्कुल इसकी उल्टा, बिल्कुल इसका एंटनी में अपोजिट है. लेकिन मैं आपको बता दूं सोबर का मतलब एक सेंस में आपका बहुत ही ज्यादा सीरियस भी होता है. जैसे कि हम लोग अगर बोलें कि पार्टी में, ठीक है, पार्टी में बहुत ज्यादा ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ लीकर, पार्टी में उसने बहुत ज्यादा लीकर जो है वो लिया, लेकिन फिर भी ही वॉज सोबर, वो बहुत ज्यादा एक सोबर था, वो गंभीर मुद्रा में था. तो उस सेंस में भी इसका एक मीनिंग आपको सोबर सीरियस मिलता है, बच्चों ध्यान में रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग चलिए देखो लिखा हुआ है ट्रांसग्रेशन. ट्रांसग्रेशन इसका वर्ब होता है ट्रांसग्रेस. इसकी वर्ब क्या होती है? इसकी वर्ब आपकी होती है ट्रांसग्रेस. इसकी आपकी वर्ब होती है ट्रांसग्रेस. ठीक है, इसकी वर्ब क्या होती है? इसकी वर्ब आपकी होती है ट्रांसग्रेस. ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन या फिर वायोलेशन. ठीक है ना, वायोलेशन करना, किसी भी चीज का उल्लंघन करना, वायोलेशन करना, उसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसग्रेशन. ठीक है, एक बढ़िया वर्ड आप लोगों को याद रखिएगा, इन्फ्रिंजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बाउंस, बी ओ यू एन डी एस, बाउंस. बाउंस की मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाउंस? बाउंड्स, बी ओ यू एन डी एस. बाउंड्स की मीनिंग होती है सीमा या फिर बाउंड्री जिसे हम लोग बोलते हैं. ठीक है, बाउंड्स की मीनिंग होती है सीमा या फिर बाउंड्री. गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गया? बाउंड्स का मतलब क्या होता है? सीमा, बाउंड्री, रेंज बोल सकते हो, रेंज बोल सकते हो आप लोग. ठीक है, सरकमफेरेंस बोल सकते हो, सरकमफेरेंस. ठीक है, एक और अच्छा वर्ड मैंने कल आपको बताया था एम्बिट. ये हमारे एम्बिट में नहीं आता, मतलब ये हमारे रेंज में नहीं आता, ये हमारे बाउंड्स में नहीं आता. ठीक है, ये हमारे कन्फाइनमेंट में नहीं आता. कन्फाइनमेंट, इसका भी मतलब होता है घेरा. ठीक है, इसका ही मतलब होता है घेरा, बच्चों ध्यान में रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बीहेस्ट. बीहेस्ट, बीहेस्ट बीहेस्ट की मीनिंग आपकी क्या होती है? देखो बीहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा, ऑर्डर्स जिसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे हम बोलोगे कि द मिनिस्टर्स, ठीक है, द मिनिस्टर्स अटैक्ड द नेबरिंग स्टेट्स, द मिनिस्टर्स अटैक्ड द नेबरिंग स्टेट्स एट द बीहेस्ट ऑफ द किंग. तो याद रखिएगा एट द बीहेस्ट ऑफ द किंग यह होगा. और इसका आपका जो सिनोनिम है आप बोल सकते हो डिक्टैट बोल सकते हो. ठीक है, डिक्टैट आपने बोल दिया, उसके बाद आपने डिक्री बोल दिया. डिक्री बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत ही शानदार वर्ड है डिक्री. डिक्री का मतलब भी होता है फरमान. ठीक है, डिक्टैट हो गया, डिक्री हो गया. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्स. ओके, नेक्स्ट वर्ड रिजाउंडिंग विक्ट्री. जैसे कि कल के आपके एडिटोरियल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक या दो दिन पहले शायद ममता बैनर्जी ने रिजाउंडिंग विक्ट्री जो है वो हासिल की आपकी यहां पे वेस्ट बंगाल में. तो रिजाउंडिंग का मतलब क्या होता है? दो मीनिंग होता है रिजाउंडिंग के. ठीक है, पहली एक मीनिंग आपकी क्या हो गई? पहली एक मीनिंग आपकी हो गई शानदार, ग्रेट, जिसको बोल सकते हैं रिजाउंडिंग विक्ट्री, ग्रेट विक्ट्री, शानदार विक्ट्री. ठीक है, दूसरा आपका रिजाउंडिंग का मतलब हो गया जो बहुत ही ज्यादा विद अ ग्रेट नॉइज. है ना, मतलब एक तरीके से नॉइजी वाले सेंस में आ जाएगा. नॉइजी मतलब काफी चीख चिल्ला करके, उसको हम लोग बोल सकते हैं रिजाउंडिंग. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजाउंडिंग बोलेंगे, ध्यान रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड प्रोपेंसिटी. प्रोपेंसिटी, 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 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोपेंसिटी? एक सेकेंड,
देखो प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, बच्चे कह रहे सत्तो सर आपको और जोर से बोलना चाहिए था आशीष सर की क्लास में। अरे कोई नहीं भाई, कोई नहीं, पढ़ाई हो रही है, जहां भी पढ़ाई हो रही है पढ़ लो यार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखो प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी की मीनिंग आपकी क्या होती है, प्रोपेंसिटी का मीनिंग आपका होता है झुकाव, लाइकिंग। अब इसके दो वर्ड मैंने आपको बताए थे और वो दोनों वर्ड आपके एग्जाम में आते हैं, एक तो इंक्लिनेशन भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, ये तो कॉमन वर्ड है, और ये कुछ नए वर्ड्स मैं आपको कल भी मैंने आपको बताया था, एक है आपका पेंशन और दूसरा वर्ड है आपका प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन है ना, तो प्रेडिलेक्शन, पेंशन, इंक्लिनेशन, ये सारे के सारे प्रोपेंसिटी के सिनोनिम से बच्चों ध्यान में रखें, इनका मतलब होता है झुकाव, आपकी लाइकिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इम्पेडिमेंट, नाउन है ये इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट impediment, what is the meaning of the word impediment, देखो impediment noun है, negative word है, इसका मतलब होता है बाधा, stoppages, barrier, barrier आ गया, ठीक है, obstructions आ गया, ये सब कल मैंने आप लोगों को बताया था, obstruction आ गया, obstacle आ गया, ठीक है, obstacle आ गया, obstruction आ गया, barrier आ गया, barricade आ गया, barricade आ गया, ये सब इसके सेंस में ही आ जाएंगे synonyms। नेक्स्ट वर्ड congruency, 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 what is the meaning of the word congruency, दोनों स्कीम में कोई congruency नहीं है, मतलब कोई समता नहीं है, कोई equality नहीं है, ठीक है, कोई भी equality नहीं है, कोई भी symmetry नहीं है, ठीक है, कोई भी सिमेट्री नहीं है, कोई भी इक्वालिटी नहीं, मतलब समानता बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ये सब मीनिंग है इसके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डेरोगेशन, डेरोगेशन, अच्छा इसका एडजेक्टिव भी आपको लिखना है, ठीक है, इसके दो, इसके आपके मीनिंग को भी लिखना है और कॉमा देकर इसका एडजेक्टिव वाला फॉर्म भी आपको बताना है कि व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ दिस वर्ड डेरोगेशन, ये तो नाउन है पता चल ही रहा है ना, डेरोगेशन की मीनिंग आपकी क्या होगी, सारे के सारे लोग बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेरोगेशन, डेरोगेशन का मीनिंग होता है अनादर या फिर डिसरेस्पेक्ट, जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, डिसरेस्पेक्ट आप लोग बोलोगे, डिस्पाइज एक बढ़िया वर्ड मैंने दिया था, ठीक है, लोदिंग एल ओ टी एच ये भी आपका होता है डिस्पाइज, लोदिंग, ठीक है, और डेरोगेशन ये तो नाउन है और ये नेगेटिव वर्ड होगा और इसकी जो आपकी एडजेक्टिव है वो आपका होता है डेरोगेटरी, क्या होता है डेरोगेटरी रिमार्क्स बोलते हैं ना हम लोग, डेरोगेटरी रिमार्क्स दैट इज नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड जिंजरली, 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 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जिंजरली, जिंजरली की मीनिंग होती है सावधानी से या फिर केयरफुल्ली, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉशियसली जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉशियसली, तो जिंजरली का मतलब हो गया कॉशियसली, सावधानी से, केयरफुल्ली, डन, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड जाउस्ट, जे ओ यू एस टी, जे ओ यू एस टी, जाउस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जाउस्ट, जे ओ यू एस टी, बच्चों एक बार लाइक और फटाफट से शेयर करें यार, ठीक है, एक बार लाइक और फटाफट से शेयर करें, मतलब तुम लोग यार डीमोटिवेट कर देते हो यार, ठीक है ना, मतलब देखो देखो संडे बिल्कुल रेस्ट कर सकते थे ना, लेकिन संडे 8 बजे का भी सेशन ले रहे हैं, फिर आपको मैराथन में 10 बजे का भी सेशन ले रहे हैं, उसके बाद आज एक पेड लेक्चर भी है, संडे कहाँ है यार हमारा, हमारा कहाँ है संडे बताओ, है ना, और ऊपर से भी वही चीज़ है कि संडे भी आराम से सारी की सारी चीज़ें आप लोग भी जितने लोग हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें तो मज़ा आ जाए, लगे कि यार मज़ा आ गया आज बच्चों ने भी सपोर्ट किया, है ना। तो जाउस्ट का मतलब आपका होता है द्वंद्व, युद्ध या फिर कॉम्पिटिशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, आर्मागेडन, ठीक है, एक द्वंद्व युद्ध कॉम्पिटिशन उसको बोलते हैं जाउस्ट, ठीक। अच्छा एक बार कल मैंने पढ़ाते पढ़ाते बोला था महाभारत में भीम ने किसके साथ द्वंद्व युद्ध किया था और उसके बिल्कुल दोनों टांगों को चीर करके एक टांग को दोनों विपरीत दिशाओं में ऐसे करके क्रॉस करके फेंक दिया था ताकि वो जुड़ नहीं पाए, मैंने आपसे कल पूछा था लेकिन शायद वो मतलब दिमाग से उतर गया, ठीक है, देख ही नहीं पाए हम लोग, जरा बताना कौन था वो राजा, किसी को याद है क्या, किसको याद है जाउस्ट किसके बीच हुआ था, एक बार जल्दी से बताओ सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से, द्वंद्व युद्ध किसके बीच हुआ था, कौन है भैया, अमन कुमार, हाँ यस 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 यस, जरासंध, जरासंध,
यस 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 यस, जरासंध है ना, जरासंध, राइट राइट राइट, जरासंध, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, याद ही नहीं आ रहा था यार, ठीक है. नेक्स्ट पैनिश, पी ए एन ए सी एच ई, पैनिश, पी ए एन ए सी एच ई, पैनिश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैनिश, पैनिश की मीनिंग आपकी होती है कौशल या फिर स्किल्स, ठीक है, आपकी आपकी अक्यूमेन, बहुत शानदार वर्ड है ना, अक्यूमेन, आपके स्किल्स, ठीक है, आपके एड्रॉइटनेस, ठीक है, आपका डेफ्टनेस, ठीक है, आपकी डेक्सटेरिटी, मजा आ गया, ठीक है. देखो कितने सारे आपके वहां पे सिनोनिम सिमिलर वर्ड्स मिल गए, तो याद रखिए, याद करो यार, पैनिश का मतलब कौशल, स्किल्स, डेफ्टनेस, ठीक है, एड्रॉइटनेस, अक्यूमेंट, डेक्सटेरिटी, ये सब आपका हो जाएगा पैनिश. नेक्स्ट वर्ड डिबैकल, 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 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिबैकल, ये कौन है भाई, विमल कुमार राउत, संतोष सर इज लुकिंग वेरी हैंडसम, देखो ये गलत है, मतलब ग्रामर के हिसाब से पहले तो मैं बताता हूं, बच्चों एक बात बताओ, इसमें ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस सही है या गलत है, विमल कुमार राउत लिख रहे हैं संतोष सर इज लुकिंग हैंडसम, ग्रामेटिक ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है गलत है, मुझे जल्दी से बताएं सारे के सारे लोग, ग्रामर के अकॉर्डिंगली ये सेंटेंस सही है फिर गलत है, ठीक है, रियल लाइफ में तो महाघोर अपराध है ये सेंटेंस, ठीक है ना, पूरा गलत ही है, एकदम गलत का पहाड़ है ये, ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे ग्रामेटिकली बताइए, ग्रामेटिकली सही है गलत है, ग्रामेटिकली भी गलत है, क्योंकि लुकिंग कभी नहीं होता है, हमेशा लुक्स बोलेंगे हम, संतोष सर लुक्स, ठीक है, यू लुक हैंडसम, शी लुक्स ब्यूटिफुल, इज लुकिंग वाला गलत होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है. अच्छा, डिबैकल का मतलब आपका होता है पराजय या फिर डिफीट, एक बहुत बढ़िया वर्ड आपको कल मैंने बताया था, डिसकॉम्फिचर, याद रखना ये सारे के सारे वर्ड्स, डिसकॉम्फिचर, ठीक है, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं सारे लोग आंसर देते रहो, सारे लोग आंसर देते रहे, कमेंट बॉक्स जो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, सारे के सारे लोग फटाफट से गलत सही जो भी याद आ रहा है तुरंत आंसर दो, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत शानदार बहुत शानदार. नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है नेब्यूलस, नेब्यूलस आइडिया, नेब्यूलस आइडिया, नेब्यूलस आइडिया, सब मस्का मार रहा है, देखो नहीं, संतोष सर ऑलवेज लुक्स हैंडसम, सब मस्का मार रहे हो, है ना. नेब्यूलस, नेब्यूलस मतलब क्या होता है, नेब्यूलस का मतलब होता है अस्पष्ट अनक्लियर, अस्पष्ट अनक्लियर, ठीक है, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, मर्की, मतलब जो बिल्कुल क्लियर ना हो, पैची, स्केची, ठीक है, स्केची, पैची, मर्की, एम्बिगुअस, ठीक है, जो बिल्कुल क्लियर ना हो, ठीक है, एम्बिवेलेंट, ये सब इसके सेम सेंस में आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इबुलियंट, इबुलियंट, दो वर्ड था जो मैंने आपको बताया था, एक था एमोलियंट और एक था आपका इबुलियंट, ठीक है ना, और ये इमुलियंट जो वर्ड है वो किनके लिए यूज होता था ये भी मैं आपको बता चुका हूं. इमुलियंट का मतलब होता है बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति, बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति, तो इमुलियंट यूज होता है किसके लिए, जॉन जो बाइडेन के लिए, और आपका डोनाल्ड ट्रंप को क्या बोला जाता था, मर्केंटलिस्ट, उनका अप्रोच था मर्केंटलिस्ट अप्रोच, व्यवसायी वाला अप्रोच, ठीक है. आपका जी जिनपिंग का अप्रोच क्या है, रिवैंकिस्ट अप्रोच, साम्राज्यवाद बढ़ाना चाहते हैं वो, ठीक है, उसको हम ये अप्रोच बोलते हैं, समझ में आ रही बात, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया. अच्छा, इबुलियंट का मतलब क्या, बहुत एकदम जोश खरोश के साथ, एकदम जोशीला, एकदम जोशीला, जोश में, पैशनेट, इनर एनर्जेटिक, जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, एनर्जेटिक, जॉन्टी, जे ए यू एन टी वाई, जॉन्टी, है ना, एनर्जेटिक. नेक्स्ट वर्ड पार्ले, पी ए आर एल ई वाई, पार्ले, पी ए आर एल ई वाई, पार्ले, पार्ले जी, है ना, पार्ले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पार्ले, पार्ले चल रहा है अभी दोनों पार्टीज के बीच, दोनों पार्टीज के बीच पार्ले चल रहा है, मतलब नेगोशिएशन चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, दोनों पार्टीज के बीच नेगोशिएशन चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है कि किसको इलेक्शन में कितनी सीटें मिलेंगी, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इररिफ्यूटेबल, इररिफ्यूटेबल, इररिफ्यूटेबल,
इररिफ्यूटेबल, समझ का मार है संतोष सर, इज द सिनोजर ऑफ अड्डा. इरिफ्यूटेबल का मतलब हो गया अखंडनीय या फिर अनक्वेश्चनेबल, ठीक है, अखंडनीय फिर अनक्वेश्चनेबल, अनइम्पीचेबल, अनइम्पीचेबल, पीई ए सी एच ए बी एल ई, अनइम्पीचेबल, ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड हो गया. एक और वर्ड मुझे लग रहा है, हाँ, मतलब जिसको बिल्कुल क्वेश्चन ही ना किया सके, जिसको आप डाउट ही ना कर सके, अनडाउटफुल, इन अनइम्पीचेबल, अखंडनीय, इररिफ्यूटेबल, उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड पिरिक विक्ट्री, पिरिक विक्ट्री. इंडिया वन द कारगिल वॉर, इंडिया वन द कारगिल वॉर, बट इंडिया वन द कारगिल वॉर बट इट वॉज अ पिरिक विक्ट्री. ये विक्ट्री कैसी थी? ये एक पिरिक विक्ट्री थी. क्या विक्ट्री थी बच्चों? एक पिरिक विक्ट्री, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव विक्ट्री थी, बहुत ही महंगा विक्ट्री था ये, बहुत ही एक्सपेंसिव विक्ट्री था, मतलब काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी भारत को भी, ठीक है. लास्ट वर्ड परफंक्टोरिली, परफंक्टोरिली. प्लीज सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा, जितने भी बच्चे हैं प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, और प्लीज मन से करिएगा, परफंक्टोरिली मत करिएगा. परफंक्टोरिली का मतलब क्या होता है? बेमन से मत करिएगा, अनविलिंगली मत करिएगा, रिलक्टेंटली मत करिएगा, रिलक्टेंटली आप मत करिएगा, बिल्कुल मन से करिएगा बच्चों, ध्यान रखिए. सो परफंक्टोरिली का मतलब हो गया बेमन से, अनविलिंगली, रिलक्टेंटली, मतलब मन नहीं कर रहा है आपको, ठीक है, फिर भी आप कर रहे हैं, सो दैट इज अनविलिंगली, रिलक्टेंटली. डन, क्लियर? तो 20 आपके रिविजन वर्ड्स इसके खत्म हो गए, ठीक है, 20 आपके रिविजन वर्ड्स यहां पे खत्म हो गए, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. तो 20 रिवीजन वर्ड वो कैब आपके खत्म हो गए. अब हम लोग दूसरे वो मतलब रिवीजन की तरफ चलते हैं, और दूसरा रिवीजन है आपका 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है. सारे के सारे लोग बिल्कुल गूगल वूगल कुछ नहीं करेंगे, गूगल डूगल वूगल, ठीक है, पगलू कुछ नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, बिना गूगल के एकदम तड़ातड़ आंसर देना है, जो भी आपको याद है आपको आंसर देना है, ठीक है. पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये रहा. हैंड रिटन कॉपी ऑफ बुक, उसको क्या बोलते हैं? हैंड रिटन कॉपी ऑफ बुक, उसको क्या बोलेंगे? हैंड रिटन कॉपी ऑफ बुक, उसको क्या बोलेंगे? जल्दी सारे के सारे लोग, 10 सेकंड्स का टाइम और दे देता हूं मैं. हैंड रिटन कॉपी ऑफ बुक, विमल टिकट, थोड़ा रुक जाओ, सबर करो, है ना, तब बताते हैं. फ्रेजल वर्ब और इनकी स्पेशल क्लासेस, डन, भले आपने बोला और हमने ले लिया, कोई टेंशन नहीं है. चलो, हैंड रिटन कॉपी ऑफ बुक, सारे के सारे लोग जल्दी. यस, द आंसर इज मैनुस्क्रिप्ट, द आंसर इज मैनुस्क्रिप्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई थिंक फिर भूल गया, मैनुस्क्रिप्ट मतलब क्या, श्रुति लेख ना, क्या इसका, मैं भूल गया इसका हिंदी, फिर मैं भूल गया. हैंड रिटन कॉपी मतलब कि कोई भी अगर हैंड रिटन कॉपी है, ठीक है, कोई भी बुक है आप, उसने उसका क्या है, हैंड रिटन कॉपी, पूरा का पूरा हाथ में लिख करके, प्रिंट नहीं करवाया, हाथ में लिख कर दिया था, सो दैट विल बी अ मैनुस्क्रिप्ट, ठीक है. वो हो गया आपका श्रुति लिपि, आई थिंक मे बी, शायद ऐसे ही कुछ होगा, श्रुति लिपि या श्रुति लेख कुछ ऐसा होगा, ठीक है. सो हैंड रिटन कॉपी ऑफ बुक इज मैनुस्क्रिप्ट, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है. हार्ड कॉपी बोलने वाला था नीरज कुमार, हाय रे भगवान. नेक्स्ट वन, हु अपोजेस आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा विरोधक, जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है ना, मूर्ति पूजा विरोधी, उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मूर्ति पूजा विरोधी, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी फटाफट. वन हु अपोजेस आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा विरोधक जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, याद होगा आपको, उनको बोलते हैं हम लोग आइकोनोक्लास्ट, इनको बोलते हैं इमेज ब्रेकर, याद रखिएगा. जो आइकोनोक्लास्ट होते हैं ना, वो एक्चुअली एक तरीके के इमेज ब्रेकर होते हैं, मतलब जो भी एक इमेज चल रहा होता है समाज में, ठीक है, उस इमेज को ब्रेक करने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, दोज वर द आइकोनोक्लास्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज दे ब्रोक एन ओल्ड कस्टम, एन ओल्ड इमेज ऑफ द सोसाइटी, नेम्ड बाल विवाह, चाइल्ड रीमैरिज और विडो रीमैरिज, है ना, चाइल्ड मैरिज को उन्होंने खत्म किया, विडो रीमैरिज, जो रीमैरिज उनको स्टार्ट किया, तो ये सब क्या आ जाएंगे, बहुत ही बढ़िया आइकोनोक्लास्ट, इनको हम लोग बोलेंगे, ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया. नेक्स्ट, अ क्रिश्चियन मास इन मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन, इसकी मीनिंग क्या हो गई? कोई भी एक क्रिश्चियन अगर इंसान जो है वो अगर वो मर जाता है, तो उसके अंतिम संस्कार के लिए जो लोग जाते हैं, ठीक है ना, तो उस मास को, उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग क्या बोलते हैं?
द क्रिश्चियन मास इन मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन, आपने देखा होगा, ठीक है, सारे के सारे लोग जाते हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे सब लोग करते हैं उसके बाद, है ना, मूवीज में हम लोगों ने, मूवीज में मैंने भी देखा है। तो उस मास को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्रिश्चियन मास को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से सारे के सारे लोग, इसका आंसर जरा बताना, देखते हैं कौन बता पाता है। हाँ, ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम होगा, बिल्कुल बिल्कुल, रजत दास 100%। विमल, अरे मतलब तुमने तो मुझे मतलब इतना, अब आज ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा मुझे लग रहा है। संतोष सर इज माय फेवरेट टीचर इन इंग्लिश, मतलब आज ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है मुझे। जल्दी, क्रेमेटोरियम, अ क्रिश्चियन मास, नहीं देखो, अरे क्रेमेटोरियम तो जगह होता है, क्रेमेटोरियम जगह का नाम होता है बच्चे। फ्यूनरल क्या बोलते हैं हम लोग, उस पूरे दाह संस्कार को फ्यूनरल बोलते हैं। मुझे पता था इसमें गड़बड़ करोगे, मुझे पता था गड़बड़ करोगे, ठीक है। नहीं, उसको बोलते हैं रिक्यूएम, क्या बोलते हैं रिक्यूएम, याद रखिएगा, रिक्यूएम जो होता है वो क्रिश्चियन, उस मास ऑफ लोग, उस ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है जो किसी के अंतिम संस्कार में, लास्ट राइट्स में जो है वो जाते हैं और वहां पे बिल्कुल रहते हैं, पूरा दाह संस्कार खत्म होता है तो लोग वापस घर आते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग बोलते हैं रिक्यूएम, याद रखिएगा, ठीक है। सारे के सारे लोग बिल्कुल, सर लिखो 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 जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट, सारे के सारे लोग एकदम, जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग फटाफट से लिखो, लिखने से याद हो जाएगा। ठीक है सर, देखो कॉर्टेज को, देखो दो तीन बच्चा पूछ रहा है सर कॉर्टेज, CORTEG, देखो कॉर्टेज भी यही होता है, कॉर्टेज भी यही होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, क्या होता है कॉर्टेज भी यही होता है कि बस कॉर्टेज सिर्फ इतना होता है, मास इन मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन। लेकिन अगर वो क्रिश्चियन मास है ना तो फिर आप बोलेंगे रिक्यूएम। समझ में आ गई बात, डिफरेंस समझ में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्टेज एंड रिक्यूएम, रिक्यूएम इज अ क्रिश्चियन मास एंड कॉर्टेज इज अ सिंपल मास, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, फियर ऑफ डेथ, चलो बोल के दिखाओ फियर ऑफ डेथ क्या होता है, मैं पढ़ रहा हूं देखता हूं कितने लोग सही कह रहे हैं। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ कितना हो, क्या होगा फियर ऑफ डेथ क्या होता है, याद करो याद करो, 20 सेकंड टाइम दे रहा हूं मैं, फियर ऑफ डेथ क्या होगा, फियर ऑफ डेथ, अरे सब उसी को लिख रहा है अभी तक, फियर ऑफ डेथ क्या होगा, 30 सेकंड का टाइम, याद कर सकते हो तो याद करो, ठीक है। रेक्यूम और कॉटेज दोनों में डिफरेंस क्या, मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, फियर ऑफ डेथ का होता है बाथोफोबिया, बहुत शानदार बहुत शानदार, बाथोफोबिया बहुत ही शानदार, वेरी गुड आंसर, बैथोफोबिया, फियर ऑफ डेथ होता है बैथोफोबिया। देखो ये जो बाथ लिखा हुआ है ना, BATH, इसका मतलब ये नहीं कि नहाने का फोबिया है, नहीं, बैथोफोबिया इज द फियर ऑफ डेथ, ठीक है। अच्छा मुझे कोई बताएगा फियर ऑफ हाइट क्या होता है, डेफ्थ होता है आपका फियर ऑफ डेफ्थ आपका हो गया बैथोफोबिया, तो फियर ऑफ हाइट क्या होगा, कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, फियर ऑफ हाइट क्या होता है, कैसे इंप्रूव नहीं होगी यार वो कैप, जरूर इंप्रूव होगी, ठीक है। फियर ऑफ हाइट बताओ क्या होगा, एक तो हम लोग सब जानते हैं फियर ऑफ हाइट, ठीक है, एक्रोफोबिया, ये तो हम लोग सब जानते हैं एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट क्या होता है, एक्रोफोबिया, ठीक है, ये तो हम लोग सब जानते हैं, एक और दिमाग में आ रहा है मे बी, शायद वो भी होगा, वो भी हो सकता है आपका फियर ऑफ हाइट, यस बिल्कुल सही, एक तो आपका फियर ऑफ हाइट का क्या हो गया, फियर ऑफ हाइट का एक तो आपका हो गया एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ हाइट का, फियर ऑफ हाइट का एक और होता है ऑल्टोफोबिया, भी फियर ऑफ हाइट होता है, ऑल्टो मतलब हाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, तुरंत एकदम फटाफट से सारे के सारे लोग बताओ, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बाई ओल्ड पीपल, जितने भी लोग हैं यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिएगा, रेगुलर क्लास सुबह 8 बजे मेरी होती है एडिटोरियल की, और कल से एक बिल्कुल जबरदस्त एक नए फॉर्मेट में आपको आपके सामने नजर आएगा एडिटोरियल, वंडरफुल फॉर्मेट में नजर आएगा, एक ऐसा परफेक्ट सेशन नजर आएगा जिसमें आपको लगेगा कि मुझे और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एडिटोरियल का एडिटोरियल, ग्रामर टिप्स के ग्रामर टिप्स, उसमें आपके वोकैब की वोकैब, हर एक चीज उसमें इंप्रूव रहेगी, और बिल्कुल एकदम टाइम के साथ हम लोग खत्म करेंगे। इतना लंबा सेशन मैंने बहुत बढ़िया तरीके से मैंने प्लान किया हुआ है, सारे के सारे लोग कल मेरे साथ जरूर जो है वो आप लोग सेशन में आना। जितने भी लोग नए देख रहे हो यहाँ पे, जिन्होंने अभी तक मेरा सेशन अटेंड नहीं किया है सुबह 8 बजे एडिटोरियल वो कैप का, एक बार प्लीज कल से एक बार आप लोग मेरे साथ जुड़िए, एक दो दिन जुड़िए, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, गवर्नमेंट बाई ओल्ड पीपल का मतलब होता है गैरेंटोक्रेसी। क्या होता है? गैरेंटोक्रेसी, याद रखिएगा। गैरेंटो का मतलब क्या होता है? गैरेंटो का मतलब एक्चुअली होता है ओल्ड पीपल, है ना। तो गैरेंटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई ओल्ड पीपल। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ लिसनिंग सीक्रेटली टू अदर्स कन्वर्सेशन, दूसरों के बातचीत को बिल्कुल एकदम सीक्रेटली चुपके से सुनना, दीवार में कान लगा करके दूसरे की बातचीत को चुपके से सुनना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, एक्ट ऑफ लिसनिंग सीक्रेटली टू अदर्स कॉन्वर्सेशन, दूसरों की बातचीत को चुपके से सीक्रेटली सुनना, इसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपिंग, इसको हम लोग बोलते हैं ईव्स ड्रॉपिंग, याद रखिएगा। और जो दूसरे की बातों को ऐसे कान लगाकर चुपके से सुनता है उसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईव्स ड्रॉपर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईव्स ड्रॉपिंग। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे एक्टिविटी को बोलते हैं ईव्स ड्रॉपिंग, और जो ये काम करता है उसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपर, याद रखिएगा। बहुत शानदार वर्ड ये, बहुत बढ़िया वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट, एक ऐसा जगह जहां पे मतलब जानवरों को, है ना, जानवरों को मांस के लिए जो है वो काटा जाता है, मांस के लिए किल किया जाता है, मारा जाता है। ठीक है, मांस के लिए, मीट के लिए, मतलब कॉमर्शियल पर्पज में उनको मारा जाता है, उस बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उस बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक तो वर्ड हम लोग सब जानते हैं, स्लॉटर हाउस, कसाई घर जिसको हम लोग बोलते हैं स्लॉटर हाउस। ठीक है, ये तो कॉमन लैंग्वेज हम लोग बोलचाल में हम लोग जानते हैं स्लॉटर हाउस, बट एग्जाम में आपका स्लॉटर हाउस नहीं आएगा, एग्जाम में आपका लिखा हुआ आएगा एबेटॉयर, एग्जाम में आपका क्या लिखा हुआ आएगा? एबेटॉयर। तो याद रखिएगा, एबेटॉयर का भी मतलब होता है कसाई घर, कसाई खाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एबेटॉयर? एबेटॉयर का भी मतलब होता है कसाई घर, कसाई खाना, स्लॉटर हाउस। बहुत शानदार वर्ड है, गलत मत करना। नेक्स्ट, अच्छा अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स, अरे यार, अरे यार, अरे यार, अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कि इसकी मीनिंग आपकी क्या होगी? एक्सटेम्पो का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सटेम्पो? ठीक है, सारे के सारे लोग मुझे फटाफट से बताएं एक्सटेम्पो की मीनिंग क्या होगी, लेट मी सी। ठीक है, एक्सटेम्पो की मीनिंग क्या होगी, सारे के सारे लोग मुझे बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सटेम्पो? सारे लोग, एक्सटेम्पो की मीनिंग क्या होगी? ये उल्टा हो गया, मैं अभी इसको सुधार दे रहा हूं। एक्सटेम्पो की मीनिंग क्या होगी? स्टेम्पो की मीनिंग आपकी होगी अ स्पीच विदाउट प्रेपरेशन। क्या होगी? अ स्पीच विदाउट प्रेपरेशन, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेम्पो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेम्पो। अ स्पीच विदाउट प्रेपरेशन इज नोन एज एक्सटेम्पो। ठीक है, एक्सटेम्पो का मतलब क्या होता है? कोई भी स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सटेम्पो, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, एक ऐसा छात्र जो कि बिना परमिशन के स्कूल से भाग जाता है, स्कूल से जो भाग जाता है, जो भगोड़ा होता है स्कूल से, जो भगोड़ा होता है बात बात पर स्कूल से भाग जाता है बिना परमिशन लिए, है ना, उस बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? उस बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, और याद रखिएगा ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसके बाद वो वाला वर्ड ही आता है, वो वाला वर्ड ही आता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे ट्रूएंट स्कूल बॉय। क्या बोलते हम लोग? ट्रूएंट, TRUANT, जैसे कि आई वॉज अ ट्रूएंट इन माई चाइल्डहुड डेज, आई वॉज अ ट्रूएंट स्कूल बॉय इन माई चाइल्डहुड डेज, मतलब मैं स्कूल से हमेशा भाग जाया करता था बिना किसी परमिशन के। तो याद रखिएगा, स्कूल से अगर बिना परमिशन के आप भाग जाया करते थे तो इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने की जरूरत नहीं है, केवल बोलो ट्रूएंट, मीनिंग द सेम। नेक्स्ट वर्ड, राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड विद डिसरेस्पेक्ट एंड इंसल्ट, मतलब कि भगवान, ठीक है, भगवान के बारे में बिल्कुल अनादर बातें करना, अनादर शब्द करना, ठीक है, स्पेशली भगवान के बारे में, गॉड को डिसरेस्पेक्ट करना, गॉड के बारे में आप डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड्स बोल रहे हैं, आप इंसल्ट कर रहे हैं भगवान का, हिंदू देवी देवताओं का, जो भी है ना, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं?
बहुत शानदार, बहुत बढ़िया वर्ड। और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं आपके प्रभास का, है ना, जो बाहुबली मूवी में, राइट, जो बाहुबली क्या करता है, वो शिवलिंग को पूरा उठाता है और उठा करके तो एक तरीके से भगवान का अनादर करता है। सारे के सारे लोग सोचते हैं बिल्कुल उसमें जो है वो सारा का सारा जो भी है तोड़ लेता है मंदिर वंदिर जो भी था शिवलिंग वगैरह, है ना। तो भगवान के जो डिसरेस्पेक्ट करता है, अनादर, गाली गलौज करता है, उस एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी, ठीक है। इसको हम लोग प्रोफेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्लास्फेमी, प्रोफेन, ये सब याद रखिएगा। डन, क्लियर। तो आपके 10 रिवीजन वर्ड्स, आपके वन वर्ड भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों याद रखिएगा, Y194 कोड पे 77% का डिस्काउंट है। बैंक महापैक जल्दी से जल्दी लीजिए, बैंक महापैक लीजिए, इसी से आपका भला हो सकता है। अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक बैंक महापैक नहीं लिया है, बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, तो याद रखिएगा बैंक महापैक जल्दी से जल्दी लीजिएगा। और Y194 कोड आपको अप्लाई करना है, ये आपके फेवरेट गोलू मोलू सर का जो है वो कोड है, इसको प्लीज अप्लाई करें, ठीक है। ये देखिए बैंक महापैक से आप जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स, हर एक चीज आप पा सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी, नया फिर से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आ गए 10 idioms एंड phrases की तरफ, ठीक है। क्या आ गए हम लोग, 10 idioms एंड phrases की तरफ लोग आ गए रिवाइज, ठीक है। पहला, गेट ऑन द बैंड वैगन, बहुत बहुत फेमस आपका idiom है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आपका idiom है। बताओ क्या होगा, गेट ऑन द बैंड वैगन, गेट ऑन द बैंड वैगन। न्यू बैच कब से स्टार्ट करेंगे, देखो फाउंडेशन का न्यू बैच अलग होगा और एसबीआई क्लर्क टारगेट जो है वो अलग बैच है, याद रखिएगा। अगर कोई एसबीआई क्लर्क, एसबीआई क्लर्क टारगेट बैच अगर उड़ान ज्वाइन करना, इस बार जो उड़ान आया है आपका, ठीक है, जिसकी आई थिंक 3 या 4 क्लासेस हुई हैं, तो ये जो है ये आपका टारगेट बैच है, एसबीआई क्लर्क टारगेट बैच है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट जो कि इंग्लिश बिल्कुल एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं, एकदम बेसिक फाउंडेशन वाला जो मेरा कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं उड़ान फाउंडेशन, है ना, उड़ान फाउंडेशन, याद रखिएगा। तो उड़ान फाउंडेशन अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है, मोस्ट प्रोबेबली वो मे में नहीं, दैट विल कम इन जून, समवेयर इन जून, ठीक है, मिडिल या फिर थर्ड वीक ऑफ जून में मैं उसको जो है वो स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। सो दैट विल बी उड़ान 8, याद रखिएगा। ऑलराइट, डन, क्लियर हो गया। चलो, सो गेट ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है, गेट ऑन द बैंड वैगन का मतलब हो गया ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी। गेट ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है कोई भी ट्रेंड उसको फॉलो करना, कोई भी पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है आप भी कहा कि उसी को फॉलो करते हुए चलेगा, तो उसको बोलते हैं गेट ऑन द बैंड वैगन, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस। एग्जाम डेट मान के चलो यार जून ही है एग्जाम डेट, मान के चलो, अब आगे इसके बढ़ गया तो बहुत बढ़िया है। विकास चौधरी क्या हो गया, अंशु उतना मतलब वक्त ही नहीं है यार, किसके किसका देखे बताओ। देखो, ब्रेक द आइस का मतलब होता है ईज अ सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, अब उस सीरियस, उस सिचुएशन की सीरियसनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए हमने कुछ जोक क्रैक किया, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि द जोक, क्या बोल सकते हैं, ईज द सिचुएशन, द जोक ब्रोक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है मोनोटोनसनेस, ठीक है, जो मोनोटोनी है किसी भी चीज की, मतलब एक जो सीरियसनेस है उसको तोड़ देना, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ब्रेक द आइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कोई बच्चे बोला सर टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन डिफिकल्ट टास्क, बिल्कुल नहीं है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को, एक टफ से सिचुएशन को, एक सीरियस सिचुएशन को थोड़ा हल्का कर देना, दैट इज ब्रेकिंग द आइस, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग, अब बताओ ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, ब्रेक अ लेग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रेक अ लेग। सर पढ़ा हूं लेकिन विदाउट ऑप्शन नहीं बोल पा रहा हूं, नहीं बच्चा विदाउट ऑप्शन तो बोलना पड़ेगा, है ना, ब्रेक अ लेग। देखो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, याद रखना, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, एक अच्छी किस्मत, अरे यार क्या जबरदस्त किस्मत है तुम्हारी, ठीक है, अचानक कल लॉटरी लिए, बिल्कुल एकदम गरीब से एकदम अमीर बन के करोड़पति बन गए, ब्रेक अ लेग, ठीक है, यू ब्रेक अ लेग, समझ में आ गया, तो द लॉटरी एक्टेड एज ब्रेकिंग अ लेग, क्लियर। नेक्स्ट, अ बॉल पार्क फिगर, ये मैंने लास्ट डे ही करवाया था, अ बॉल पार्क फिगर, ये तो गलती मत करना, अ बॉल पार्क फिगर,
ठीक है। तो आज मोस्ट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबली आज सारे के सारे रिवीजन ही हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 बजे से फिर आपका मैराथन शुरू हो जा रहा है, तो हम लोग सिर्फ आज रिवीजन ही करेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बॉल पार्क फिगर, बॉल पार्क फिगर का मतलब आपका क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉल पार्क फिगर? अरे पैर तोड़ना नहीं होता उसका मतलब, ब्रेक अलग में लगा पैर तोड़ने हा? नहीं, बॉल पार्क फिगर की मीनिंग होती है एस्टिमेशन या फिर रफ आइडिया, एस्टिमेशन या फिर रफ आइडिया, हम लोग एक गेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली हमें पता नहीं है लेकिन हम लोग गेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बहुत बढ़िया शानदार बात बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि वैक्सीनेशन जो है पूरा का पूरा मास वैक्सीनेशन, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है, ठीक है, वो आपका अगस्त तक खत्म हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली मुझे पता है क्या, भगवान थोड़ी है, नहीं ना, मैं एक बॉल पार्क फिगर बता रहा हूँ, मैं एक एस्टिमेशन कर रहा हूँ कि एक आपको गेस वर्क कर रहा हूँ कि शायद अगस्त तक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज अ बॉल पार्क फिगर। जैसे मैंने बोला कि सर एक बात बताइए कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए होंगे, SBI क्लर्क का अप्लाई किए होंगे, मैंने कहा कि बॉल पार्क फिगर है 50 लाख हुआ होगा, एक बॉल पार्क फिगर एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ बट इट इज अ बॉल पार्क फिगर, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद पॉल ऑफ ग्लूम, ये भी कल मैंने आपको बताया था, पॉल ऑफ ग्लूम, इसकी मीनिंग क्या होती है, पॉल ऑफ ग्लूम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉल ऑफ ग्लूम? अब देखो मतलब तुम लोगों के लिए सैक्रिफाइस क्या करना पड़ रहा है सोचो, कल मन किया, कल रात को अचानक से मन किया कि यार आज तो संडे कुछ अच्छा करते हैं, है ना, तो कल मन किया कि आज बहुत बहुत दिन हो गए बिरयानी नहीं खाए, बहुत दिन हो गए, ठीक है, तो हमने सोचा चलो बिरयानी खाते हैं आज, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि भुवनेश्वर में, है ना, भुवनेश्वर में आपकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो मार्केट्स जो हैं वो 6 to 12 PM खुलते हैं, ठीक है, 6 to 12 PM खुलते हैं, शाम को 12 बजे के बाद पूरा का पूरा बंद, एंड सैटरडे एंड संडे कंप्लीट लॉकडाउन, सैटरडे एंड संडे जो है वो है आपका कंप्लीट लॉकडाउन, और आज मन कर दिया कि आज भाई खाना है, ठीक है, तो यहां पे पास में एक चिकन का दुकान है, ठीक है, उसने हमेशा ही कहा कि भैया अगर आपको संडे वनडे कुछ चिकन विकन चाहिए तो आप आ जाइएगा, मैं यहाँ पे घूमता रहूंगा, क्योंकि खोलूंगा तो नहीं दुकान है तो पुलिस आकर पिटाई करेगी, तो मैं यहाँ घूमता रहूंगा, मैं अंदर जाकर के काट के आपको दे दूंगा। अब लेकिन वही आइएगा करीबन वही मतलब कि 10 बजे के आसपास आइएगा। प्रॉब्लम यह है कि ना तो मैं सुबह 8 बजे से यहाँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, फिर उसके बाद 10 से 11 बजे अभी आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा, अब 11 बजे के बाद अगर हम निकले और चिकन ना मिले तो आज पूरी की पूरी सपने जो है वो मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना, जो मैंने सोचा है कि आज खाते हैं थोड़ा सा देखते हैं, है ना, वो बेकार सब मिल जाएगा, तो कितनी बड़ी सैक्रिफाइस कर रहे हो संतोष सर, बिरयानी सैक्रिफाइस कर रहे हैं मतलब बच्चों के लिए, मतलब सोचो कितना बड़ा है ना। अच्छा पॉल ऑफ ग्लूम का मतलब होता है अ डिसअपॉइंटमेंट और सैड न्यूज और इवेंट, पॉल ऑफ ग्लूम, ठीक है, आज चिकन नहीं मिलता है तो इट विल बी अ पॉल ऑफ ग्लूम, नहीं ऐसा नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो कोई भी एक बहुत ही निराशाजनक बात हो गई, निराशाजनक एक कांड हो गया, ठीक है, एक सैड न्यूज है, सो इट विल बी अ पॉल ऑफ ग्लूम, ठीक है। नेक्स्ट अ बी इन वंस बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया ये वर्ड, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सर यू कैन ऑर्डर चिकन फ्रॉम स्विगी, आज कंप्लीट लॉकडाउन है सैटरडे एंड संडे को, 2 दिन भुवनेश्वर में कंप्लीट लॉकडाउन होता है, ब्लैक ब्लैक में मुर्गा मिलता है, ब्लैक मुर्गा उसका नाम हो गया, है ना। अ बी इन वंस बोनेट, इसका मतलब ये होता है टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग, मतलब बहुत ज्यादा आप किसी चीज के लिए ऑब्सेसिव हैं, है ना, उसको बोलते हैं अ बी इन वंस बोनेट। जैसे कि आप अपने, मान लेते हैं कि आपने एक जिम ओपन किया, ठीक है, अब आप उसके लिए, आपका वो सपना था बचपन से, ठीक है, तो आप उसके लिए इतने ऑब्सेस्ड हैं कि बिना उसके बारे में बात के आप रह ही नहीं पाते हो, तो अब हम बोलेंगे यू हैव अ बी इन योर बोनेट, यू हैव अ बी इन योर बोनेट, ठीक है, मतलब यू ऑलवेज टॉक अबाउट योर जिम, यू हैव अ बी इन योर बोनेट, उसको हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में तेल जलाना, बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में तेल जलाना, इसका मतलब क्या होता है, बर्न द मिड नाइट ऑयल, इसका मीनिंग क्या होगी, जाहिर सी बात है इसकी मीनिंग होगी वर्क और स्टडी टिल लेट नाइट, या तो देर रात तक काम करना, ठीक है, या फिर देर रात तक पढ़ाई करना, उसको हम लोग बोल सकते हैं बर्न द मिड नाइट ऑयल। डन, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अ स्नेक इन द ग्रास, अब मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोग बताएं, अ स्नेक इन द ग्रास की मीनिंग आप लोग बताओगे मुझे, एवरीवन, अ स्नेक इन द ग्रास आप लोग बताएंगे, स्नेक इन द ग्रास, सर आप उड़ीसा से, बिल्कुल भाई, भुवनेश्वर 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 करीबन 1000 बार बोल चुका हूं मैं, है ना,
स्नेक इन द ग्रास क्या होगा? है अब भुवनेश्वर क्यों रहते हैं? अरे भाई मेरे, मैं क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मोपॉलिटन हूं, ठीक है, ओरिजिनल हमारा होम टाउन यही है भाई। स्नेक इन द ग्रास क्या होगा? स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है ट्रेचरस पर्सन, ठीक है, एक विश्वासघाती व्यक्ति, है ना, एक विश्वासघाती व्यक्ति, धोखेबाज, उसको बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, हम प्लान बना रहे हैं कि कल सुबह ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, ठीक है, जब उधर से वो आएगी तो उसके सामने गुलाब का फूल लेकर ये बोलेंगे वो बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, और मैंने सब अपने फ्रेंड से बोला कि ऐसे बोलना है ऐसे बोलना है ऐसे बोलना है, और पता चला मेरे बोलने से पहले वही गुलाब का फूल दे आया तो क्या होगा? अ स्नेक इन द ग्रास, ठीक है, ठीक है। अब देखो मुझे पता है इसके जो आपके मैक्सिमम लोग जो है वो यही बोलेंगे हिडन एनिमी, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है आपका, ध्यान में रखिएगा, हिडन एनिमी भी नहीं है, ठीक है, एंड इनकमिंग डेंजर, ये सारे आपके ऑप्शन में रहेंगे, इनकमिंग डेंजर ये भी नहीं होगा, ठीक है, अ ट्रेचरस पर्सन ही बिल्कुल सही है, स्नेक इन द ग्रास, ठीक। नेक्स्ट, अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज फिस्टेड मैन, अरे भाई मैं वेस्ट बंगाल से नहीं हूं, मैं वेस्ट बंगाल में हम लोग रह गए जाकर के, ठीक है, बट बेसिकली वी आर फ्रॉम ओडिशा और हम लोग वेस्ट बंगाल में रह गए थे जाकर के, बट अभी नाउ वी हैव कम बैक टू, आई हैव कम बैक टू सेटल इन ओडिशा, ठीक है। चलो तो इसका क्या होगा? क्लोज फिस्टेड मैन मतलब बहुत कंजूस, बिल्कुल माइजर, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोज फिस्टेड मैन, बहुत कंजूस व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, है ना, मतलब कोई पुरानी बिल्डिंग का ही कोई चिप, है ना, ओल्ड ब्लॉक, कोई मतलब कि पुराना चट्टान है उसी का कोई चिप, उसी का कोई चिप। तो याद रखिएगा, अगर एक बहुत बड़ा चट्टान है, रॉक है, और उसका एक टुकड़ा आप लेके आ गए, तो उस रॉक से सारी चीजें मिलेंगी ना, उस टुकड़े से। तो इसका भी idiom का यही मीनिंग है कि रिजेंबल करना, मिलना कैरेक्टर और अपियरेंस में, है ना, अगर आप कैरेक्टर और अपियरेंस में अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो आप बोलेंगे कि यू आर अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। क्या बोलोगे? यू आर अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। बच्चों 1300 हम लोग यहां पे अभी क्रॉस करने वाले हैं, भाई बहुत बढ़िया शानदार, सारे के सारे लोग लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आज जरूर बताइएगा मुझे कि आप में कुछ वोकैब या कुछ जो भी आप में कुछ आज इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं कुछ वैल्यू एडिशन आप में हुआ है या नहीं, ठीक है। अब हम आ गए हैं 10 फ्रेजल वर्ब्स की तरफ, ठीक है, लास्ट पड़ाव की तरफ हम लोग आज आ चुके हैं, आज हम लोग 10 फ्रेजल वर्ब्स हम लोग देखते हैं क्या होगा, ठीक है। पहला फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर, फटाफट से आंसर दो, फटाफट, लुक आफ्टर क्या होगा? लुक आफ्टर, लुक आफ्टर की मीनिंग होगी टेक केयर, ठीक है, देखभाल करना, जैसे कि पेरेंट्स वेयर अवे, ठीक है, पेरेंट्स वेयर अवे फ्रॉम होम सो दे कॉल्ड देयर नेबर टू लुक आफ्टर देयर, माय पेरेंट्स वेयर अवे सो दे कॉल्ड माय नेबर टू लुक आफ्टर मी, मतलब मेरी देखभाल करने के लिए उन्होंने मेरे पड़ोसी को बोल दिया, ठीक है। सो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर। नेक्स्ट, कॉल फॉर, कॉल फॉर, बहुत आप खुद बताइए कॉल फॉर कितनी बार इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा बार आपके एडिटोरियल में आता ना ये वाला फ्रेजल वर्ब। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉल फॉर, जल्दी से फटाफट, कॉल फॉर की मीनिंग क्या होगी? कॉल फॉर की मीनिंग होती है डिमांड करना, रिक्वायर करना, जैसे हम बोल सकते हैं कि दिस द सेकेंड वेव ऑफ दिस COVID-19 इट कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, है ना, इसे जरूरत है, ये डिमांड करता है, ये रिक्वायर करता है। नेक्स्ट, सेट इन, सेट इन, सेट इन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेट इन, जल्दी बताओ, सेट इन का मतलब क्या होता है? सेट इन का मतलब होता है कुछ स्टार्ट करना, ठीक है, कोई भी चीज स्टार्ट होना, नहीं स्टार्ट करना, नहीं स्टार्ट होना, कोई भी चीज स्टार्ट अगर हो रही है तो दैट इज सेट इन। बट जनरली याद रखिए, नहीं अभी मैं मजेदार वाली बात नहीं बताऊंगा, देखो सेट इन का भी मतलब होता है स्टार्ट होना, सेट आउट का भी मतलब होता है स्टार्ट करना, है ना, लेकिन दोनों में काफी अंतर, और ये मैं बताऊंगा आपको तब जब मैं फ्रेजल वर्ब के ऊपर एक बिल्कुल 2 घंटे की क्लास लूंगा या किसी दिन एक दिन डेडिकेटेड क्लास लूंगा, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा, मजा आएगा उस दिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका है लिखा हुआ बीवर अवे,
यू हैव टू बीवर अवे, यू हैव टू बीवर अवे इफ यू वॉन्ट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. अगर पहले ही अटेम्प्ट में आपको एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको बीवर अवे करना पड़ेगा, आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं बीवर अवे. जल्दी बताएं क्या होगा बीवर अवे का मीनिंग. काफी हार्ड वर्क, ठीक है, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना, दैट इज बीवर अवे. नेक्स्ट क्रैंक अप. क्रैंक अप, जैसे द गवर्नमेंट मस्ट क्रैंक अप द प्रोसेस ऑफ मास वैक्सीनेशन. सरकार को ये जो मास वैक्सीनेशन है उसके प्रोसेस को 100% जो है उसको क्रैंक अप करना पड़ेगा, उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको हम बोल सकते हैं क्रैंक अप द प्रोसेस, मतलब कि उसके स्पीड जिसको बुक करना, ठीक है, तेज करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, दैट इज क्रैंक अप. नेक्स्ट चिप इन. चिप इन, चिप इन, चिप इन का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी चल रही है और अचानक से उसके बीच में ही कोई आप आकर के ज्वाइन कर लिए, या फिर आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लिए, आपने उसको इंटरप्ट कर दिया ताकि आप कुछ नए पॉइंट्स ऐड करने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं चिप इन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिप इन. जैसे हम बोल सकते हैं द मीटिंग वॉज गोइंग ऑन, ठीक है, सडनली द मैनेजर चिप्ड इन विद सम न्यू पॉइंट्स, ठीक है, तो ज्वाइन और इंटरप्ट अ कॉन्वर्सेशन इन ऑर्डर टू ऐड समथिंग. नेक्स्ट एक्ट अप. बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आपका फ्रेजल वर्ब है ये, एक्ट अप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्ट अप भाई. 1300 हम लोग अभी क्रॉस कर गए. बच्चों एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग, सारे के सारे लोग, मैराथन क्लासेस अभी आपकी SBI की मैराथन क्लासेस अभी आपकी शेड्यूल्ड हैं, याद रखिएगा 9 बजे से आपकी मैथ्स की क्लास शेड्यूल्ड है, 10 बजे से आपकी इंग्लिश की क्लास शेड्यूल्ड है और 11 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास शेड्यूल्ड है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है. तो सारे सारे लोग फटाफट से, एकदम बिल्कुल लेट नहीं करना, सारे के सारे लोग तुरंत जो है वो हाजिर हो जाना सर की क्लास में. अच्छा एक्टअप का मतलब होता है मैल फंक्शन, गलत तरीके से काम करना, मतलब क्या हो रहा है, काम करना बंद कर देना, बिगड़ जाना, कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी है, वो बिगड़ गया, वो काम ही नहीं कर रहा है ना, वो डैमेज हो गया, उसको बोलते हैं एक्ट अप. जैसे माई लैपटॉप, मतलब यूजुअली एक्ट अप, मेरा लैपटॉप जब वो हमेशा जब वो बिगड़ा ही रहता है, एक्ट अप करता रहता है, गलत काम करता है, मैल फंक्शन करता है. नेक्स्ट टेक आफ्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेक आफ्टर. टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, है ना, मिलना, किसी से मैच करना, रिजेंबल करना, मैच करना, उसको हम लोग बोल सकते हैं टेक आफ्टर, ठीक है. आई टेक आफ्टर माई फादर, मैं अपने फादर से बिल्कुल रिजेंबल करता हूं. नेक्स्ट लुकअप. लुकअप ऊपर देखना ना, ऊपर देखना ना, नहीं बिल्कुल लुकअप की मीनिंग ऊपर देखना नहीं होती है. अच्छा लुकअप का मतलब होता है कोई चीज सर्च करना, स्पेशली किसी रेफरेंस बुक में, जैसे कि आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, आप डिक्शनरी में देख रहे हैं, सो लुकअप, यू आर लुकिंग अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी, ठीक है. आपको किसी का टेलीफोन नंबर नहीं मिल रहा है, आप डायरेक्टरी में देख रहे हैं, यू आर लुकिंग अप somebody's फोन नंबर इन द डायरेक्टरी. तो कहीं भी किसी रेफरेंस बुक में अगर आप कोई चीज खोज रहे हैं, सो दैट इज लुकिंग अप, सर्च समथिंग इन अ रेफरेंस बुक. लास्ट आज का रिविजन वर्ड जो वोकैब है ना, रिविजन आपका फ्रेजल वर्ब है, वो है आपका होल्ड अप. जल्दी से बताएं होल्ड अप की मीनिंग क्या है, यहीं पे फिनिश करेंगे हम लोग, ठीक है. होल्ड अप की मीनिंग क्या है, एक बार जल्दी से फटाफट मुझे सारे के सारे लोग बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड होल्ड अप. बहुत शानदार वर्ड है भाई, बहुत बढ़िया वर्ड है होल्ड अप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड होल्ड अप. सम, छोड़ो मजाक वाला एक सेंटेंस था, कुछ लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, पिछले 3 साल से एग्जाम देते क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली दे होल्ड अप अ बैंक, ठीक है, उन्होंने क्या किया, रॉब कर लिया, प्लंडर कर लिया, बैंक को ही लूट लिया. तो होल्ड अप का मतलब होता है लूट लेना, रॉब कर लेना, डकैती डालना, दैट इज जो है होल्ड अप. ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है. बस सेशन को हम लोग यहां पे अभी आपका खत्म करते हैं,
खत्म करते हो, मैं आपको चीजें बता देना चाहता हूं बच्चों, एक चीज ध्यान में रखिएगा प्लीज, इस कोड का इस्तेमाल करिए Y194, याद रखिएगा 77% डिस्काउंट है और ऐप पे आपको 78% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जितने भी नए बच्चे हैं ठीक है, वो सारे के सारे लोग बैंक महापैक जरूर ले लेंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिससे आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक चीज, मेंस के भी बैचेस, जीए कैप्सूल, हर एक चीज भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। वॉरियर, दक्ष, उड़ान, शिखर, हर एक चीज आपका इसमें ऐड होगा। कोई भी चैंपियन, कुछ भी आपको प्रॉब्लम करने की जरूरत है, हर एक चीज इसमें आपकी ऐड होगी। टेस्ट सीरीज, स्पोकन इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव, सब चीज इसमें ऐड हो जाएगी। तो Y194 कोड, ये मेरा कोड है, जरूर इसका इस्तेमाल करिए ठीक है। अच्छा, दूसरी और एक चीज जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका मैराथन क्लास। तो जितने भी लोग यहां पे हैं प्लीज सारे के सारे लोग 9 AM से मैथ्स के क्लास में आप लोग सब जुड़ जाना, फिर 10 AM से आपको इंग्लिश की क्लास होगी ठीक है, और 11 AM जो है वो आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। बच्चों ध्यान में रखिएगा ठीक है, तो फटाफट से सारे के सारे लोग जुड़ जाइएगा। और प्लीज लिंक को आप लोग, इस लिंक को अगर आप लोग जो अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए प्लीज एक बार फटाफट से लाइक और शेयर करते रहिएगा। और प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताइएगा कि कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है नहीं, फिर आज आप में बहुत सारे रिवीजन हम लोग वर्ड्स आज हम लोग ने किए ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू।